हेलो गाइज़, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी एक हनुमान जी का मंदिर जो कि है बहुत बड़ा मूर्ति। गाइज, इसमें ना आपको हनुमान जी का जो मूर्ति है ना वो बहुत ही बड़ा मूर्ति आप लोगों को देखने के मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मंदिर का बाहर का जो व्यू है ना वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सामने कुछ छोटा सा हनुमान जी का मूर्ति है एंड ये इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसका एक बड़ा सा एक पिलर की तरह है एंड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वो भी मुझे कनाडा में कुछ लिखा हुआ है वो भी मुझे नहीं पता। एंड सामने एंट्रेंस में एकदम स्ट्रेट आपको एक मतलब भोलेनाथ का मूर्ति मिलेगा एंड एक साइड बीच में भोलेनाथ का मूर्ति है एंड दो साइड में सीढ़ियां है एंट्री के लिए। एंड एक साइड में आपको मिलेगा राम सीता और लक्ष्मण जी का छोटा सा मंदिर एंड दूसरे साइड में आप देखने को मिलेगा राधा कृष्ण का मंदिर। अभी शायद मंदिर में कुछ काम चल रहा था तो हम इसलिए अभी कुछ बंद है एंड हम लोग एंट्री कर मतलब घुस गए मंदिर के अंदर एंड आप देख सकते हैं मंदिर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड हनुमान जी का मंदिर, ओ माय गॉड, इतना बड़ा मूर्ति मैंने कभी नहीं देखा ज़िंदगी में। तो ये है पूरा मंदिर का व्यू, मैं बाहर का भी दिखाती हूँ, ऊपर से इतना खूबसूरत लग रहा था ना क्या मैं क्या बताऊँ। बेंगलोर में ना एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग जितने भी मंदिर में गए ना वो ऐसा नहीं कि सारे के सारे मंदिर एक जैसा है, हम लोग जिस भी मंदिर में गए ना वो कुछ ना कुछ अलग दिखने को मिला ही मिला है बहुत सारा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। ये बहुत सारे मंदिर में हम लोग गए लेकिन हर एक मंदिर को हर एक टाइप का बहुत अच्छा लगा एंड बाहर से मंदिर एक जैसा ही है लेकिन अंदर आप लोगों को कुछ अलग ही मिलेगा, बहुत खूबसूरत है। एंड हनुमान जी का मूर्ति, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना आप, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे मतलब बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था उस मंदिर में जाने के बाद। एंड मेरा बेटा आप देख सकते हैं एक जगह रुकता ही नहीं है एंड इतना स्टाइल मार के गया है ग्लास वास लगा के एंड घंटा बजा रहा है। एंड साइड में आप लोगों को माता का मूर्ति देखने को मिलेगा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दूसरे साइड में साईं बाबा का मूर्ति है एंड उसके पीछे और भी बहुत सारे भगवान का भी मूर्ति है, मैं एक के बाद एक आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है साईं बाबा का छोटा सा मंदिर, सामने हनुमान जी का मंदिर है एंड एक साइड में वैष्णो देवी माता का मूर्ति है, दूसरे साइड में साईं बाबा का मूर्ति है एंड पीछे इस तरह का छोटा छोटा और सारे भगवान जी का मूर्ति है जैसे कि गणपति है एंड क्या है श्री रामा पीर कुछ ऐसा ही हनुमान जी का है एंड सारे छोटे छोटे मंदिर हैं एंड उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है माँ अम्बे एंड ये क्या है सारे भगवान का नाम लिखा हुआ है एंड इस तरह से छोटे छोटे मूर्ति है, बहुत ही क्यूट बहुत ही खूबसूरत है। एंड इस ये है रथ, शायद इसमें रथ के टाइम रथ निकलता है। तो ये पूरा व्यू है, तो आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे बेटा माता की मूर्ति को कैसे प्रणाम कर रहे हैं ना, हाँ आप लोगों को लिटरली हंसी आ जाएगा, मतलब एकदम लेट के प्रणाम कर रहे हैं माता की मूर्ति को एंड हम लोग भी ऐसा सोच नहीं भाई, बच्चा इतना मतलब क्या बताऊँ आजकल के बच्चे हैं। तो
आपने इसको मतलब दौड़ना फिर से स्टार्ट कर लिया है, बहुत एंजॉय कर रहा था। एंड उसके बाद हम लोग निकल गए हैं हमारे दूसरे मतलब दूसरे एक और मंदिर, या कहाँ जाएंगे पता नहीं, तो ब्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि हम लोग नेक्स्ट कहाँ जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल बटन को भी दबा के रखना है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय। एंड उस गाइस यहाँ पे बाहर निकलने के टाइम ना हम लोगों ने एक और चीज़ देखा, यहाँ पे ना बहुत सारे मूर्ति एक साथ हैं। एंड ये लोग ना कुछ अलग से इसको प्रणाम कर रहे हैं, घूम घूम के एक एक भगवान को मतलब प्रणाम कर रहे थे। एंड सारे भगवान का मतलब नाम मुझे नहीं पता, एंड मैं ज़्यादा पहचानती भी नहीं ये भी कौन सा भगवान है नहीं पता। एंड ये शायद नाग देवता कुछ ऐसा ही है, क्योंकि चार दो साइड में नाग का जो मूर्ति बना हुआ है वो है, तो ये मतलब अलग दिखने को मिला मुझे। एंड नीचे कुछ लिखा हुआ था जो कि कन्नड़ा में है, एंड मुझे नहीं पता क्या है इसका। तो मेरा बेटा आप देख सकते हैं फिर से खेलना स्टार्ट हो गया है। एंड तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।